अगर आप ब्लू फिशरी लेते हो स्प्लिट इनो, उसके साथ दूसरा ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो लगाते हो, तो इसमें सिर्फ ब्लू फिशरी नहीं आएंगे भाई, इसके अंदर स्प्लिट इनो है तो इसमें अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई भी आ सकता है इसके अंदर आपके पास। 12 चिक्स अगर आप पूरे सीजन में लेते हो तो साथ में एक आध अगर अल्बाइनो रेड आई आ गया, पूरे सीजन में एक से दो अल्बाइनो रेड आई आ गया, तो अल्बाइनो रेड आई की प्राइस जो ब्रीडर की प्राइस है वो 12 से 14 हज़ार है। ये एक ब्लू फिशरी है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त पहचान है। इसके जो सामने का हिस्सा होगा ना, अगर आप देखें फोर हेड से लेके इसके नेक से नीचे तक इसके सीने तक एक कलर होगा वाइट। ये अच्छी ब्लू फिशरी की पहचान है, जो कि फिशरी है, फिशरी मास्किंग के अंदर है, पर्सनाटा में नहीं है। हाँ। ये वाला जो बर्ड नज़र आ रहा है इसमें देखें एक यू बन रहा है, एक लाइन ग्रीन की डार्क ग्रीन उसके बीच में लाइट ग्रीन है, तो एक यू बन रहा है, तो इसको यू विंग बोलते हैं। जो भी इस तरह की मुख्तलिफ म्यूटेशन में मुख्तलिफ कलर में आप इस तरह का यू नज़र आएगा ना आपको, तो ये यू विंग होता है। अगर आप इसको देखें इसके इसके स्किन बने ना आप देखें थोड़े थोड़े से ना ये अलग अलग से पैचेज हैं, पूरा एक कलर में नहीं है ये, तो पेस्टलिनो जो है ना वो इस तरह का होगा। एक और पेस्टलिनो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो बर्ड है ये है पार ब्लू। अब पार ब्लू जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट शेड में डिफरेंट डिफरेंट उसमें मिलेगा आपको ना। अब ये पार ब्लू जो है ना ये ऑफलाइन भी है साथ साथ और यूविंग भी है। अब ये वाला पार ब्लू देखें, इसको अगर आप गौर से देखें ब्लू है ऊपर से, इसके ऑलमोस्ट सारे विंग्स जो है ना ब्लू ग्रीनिश सी ब्लू टाइप के हैं, नीचे से लाइट ब्लू है, ऊपर से ये ऑरेंज शेड आ रहा है सामने से। अगर आप इसका फोरहेड देखें और इसका फोरहेड के साथ इसके चिन के साथ तक गर्दन तक देखें तो इसमें जो है वो ऑरेंज कलर आ रहा है और पीछे डड्डी सी मास्किंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आपने लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको दी थी ब्लू फिशरी के हवाले से, काफ़ी सारे लोगों ने पसंद की, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, उनको जवाब मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ, बाकी कोई कसर रहेगी तो वो भी पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपको एक पेयरिंग और दिखा रहा हूँ और साथ में कुछ ऐसे लोग हैं कुछ नए फैंसर हैं। देखिए हमारे चैनल का मकसद क्या है कि हम लोग जो है वो इस हॉबी को न्यू फैंसियर को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये हॉबी अच्छी होगी बेहतर होगी तो हमारा भी काम अच्छा हो जाएगा, जो दूसरे आने वाले उनका भी काम अच्छा होगा। तो मैं अगर सपोर्ट कर रहा हूँ इस हॉबी को तो इसमें मेरा भी लालच है कि मैं इस हॉबी अच्छी होगी हॉबी प्रमोट होगी तो साथ साथ हमारा काम भी अच्छा होगा। तो हॉबी को प्रमोट करना मकसद है, न्यू फैंसियर को प्रमोट करना उनको सपोर्ट करना मकसद है। तो बहुत सारे जो मेरे जो वीडियोस मैं बना रहा होता हूँ खासतौर पे न्यू फैंसियर के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं पुराने ब्रीडर हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी, जो चीज़ें बेसिक्स में बता रहा होता हूँ। तो ये बेसिक्स जो है मैंने भी बड़े ब्रीडर्स से सीखी है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होंगी चीज़ें, तो उनके लिए ये वीडियो बन रही है, इसमें एक पेयरिंग बताएंगे। दूसरा इसमें हम ये करेंगे कि आपको मैं जो मुझे एक कमेंट्स आया था कि यार थोड़ा सा ना निशानी बताएं कि पता कैसे चलता है, पहचान कैसे होती है, कौन सा बर्ड कौन पार ब्लू है, कौन सा फिशरी है, कौन सा अल्बाइनो, ये सारी पहचान इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ी सी लंबी हो गई इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेयरिंग जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, हम आपको बर्ड्स दिखाएंगे कि कौन सा बर्ड्स की क्या पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लू फिशरी बताया था, जो कि सिंपल ब्लू फिशरी था, जो कि आपको 5,000 का मिलता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार वो 1,500 का एक मिलता है, 3,000 का पेयर मिलता है, तो भाई 3,000 का मिलता है ये तो और अच्छी बात है। अगर आपको 3,000 का बर्ड मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, आपने 5,000 या 6,000 नहीं लगाने, 3,000 लगाने, ठीक है। तो प्राइस अगर नीचे होगी तो आप ये जहन में रखें कि आप अगर कोई चीज़ परचेस कर रहे हो तो वो भी सस्ती मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। मैंने लास्ट टाइम जो पेयरिंग आपको बताई थी वो था ब्लू फिशरी, जो कि सिंपल था। आज उसी पेयरिंग को हम स्प्लिट इनो में करेंगे। अगर आप ब्लू फिशरी लेते हो स्प्लिट इनो, उसके साथ दूसरा ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो लगाते हो तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यही होगा, उसी फिजिबिलिटी को रखते हैं सामने कि तकरीबन आप 12 चिक्स लेते हो तो इसमें सिर्फ ब्लू फिशरी नहीं आएंगे भाई, इसके अंदर स्प्लिट इनो है तो इसमें अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई भी आ सकता है इसके अंदर आपके पास। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपको सिंपल पेयर मिल रहा था तकरीबन 5,000 का, तो ये स्प्लिट इनो भी 5 से 6,000 का, 7,000 का या 6,000 का मिल जाता है इजीली आपको। तो आप स्प्लिट इनो लोगे उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ब्लू फिशरी भी आएंगे, 12 चिक्स अगर आप पूरे सीजन में लेते हो
तो साथ में एक आध अगर अल्बाइनो रेड आई आ गया, पूरे सीजन में एक से दो अल्बाइनो रेड आई आ गया, तो अल्बाइनो रेड आई की प्राइस जो ब्रीडर की प्राइस है वो 12 से 14 हज़ार है। आप ये एस्टिमेट लगा लो कि एक पीस 8 हज़ार का बिकता है अगर आपका, तो जो चीज़ 13 हज़ार की बिक रही थी वो 8 हज़ार का एक पीस बिकेगा, तो आपको मजीद प्रॉफिट होगा। तो एक पेयरिंग ये है कि आप स्प्लिट इनो लो ब्लू फिशरी और उसको पेयरिंग करो, उससे ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई पेयरिंग, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई जो आप लोगों ने पूछा था सवाल कि कौन सा बर्ड की पहचान क्या होती है, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले यही दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये वहाँ पर लगा हुआ है अल्बाइनो रेड आई और इसके साथ हमने लगाया हुआ अल्बाइनो ब्लैक आई। ये क्यों लगाया हुआ है इस पर हम किसी दिन डिटेल वीडियो बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अल्बाइनो ब्लैक आई है और रेड आई है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें पता कैसे चलता है, मतलब पहचान क्या है, जो अल्बाइनो होगा वो पूरा का पूरा सफ़ेद होगा, उसमें जो अल्बाइनो रेड आई होगा जाहिर सी बात है उसकी आँख, जैसे अगर नाम में उसकी आँख रेड होगी तो वो रेड आई होगा, जिसकी आँख ब्लैक होगी वो अल्बाइनो ब्लैक आई होगा। अच्छा, उसको अल्बाइनो सिंपल अल्बाइनो भी बोलते हैं ब्लैक को, और जो रेड आई होगा उसको रेड आई बोलते हैं। तो ये हो गया सिंपल कि वाइट कलर का जो लव बर्ड होगा वो अल्बाइनो होता है, रेड आई होगी तो रेड आई कहलाएगा, ठीक है जी। ये हमने एक पेयर लगाया हुआ है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है। ऊपर आ जाए ज़रा बिलाल भाई, ऊपर एक पेयर लगा हुआ है। अच्छा, ये पेयरिंग जो है ना, अगर आप देखें तो ये एक पेयरिंग लगी हुई है जो कि है ग्रीन यूविंग ओपलाइन इनटू ग्रीन यूविंग। अच्छा, ये पेयरिंग जो है ना इतनी कोई काम की नहीं होती, मतलब इतनी खास नहीं होती, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इससे ग्रीन ओपलाइन बर्ड आएंगे जो कि आगे काम आएंगे, इसलिए पेयरिंग लगी हुई है। तो इसकी पहचान क्या है, अब ये सही से हो गई बैठ गया तो मैं आपको दिखाऊँ। ये जो राइट साइड पे आपको बर्ड नज़र आ रहा है, गौर से अगर आप देखें, ये वाला जो बर्ड नज़र आ रहा है इसमें देखें एक यू बन रहा है, एक लाइन ग्रीन की, एक लाइन ग्रीन की है, यू बन रही है डार्क ग्रीन, उसके बीच में लाइट ग्रीन है, तो एक यू बन रहा है, तो इसको यू विंग बोलते हैं। जो भी इस तरह की मुख्तलिफ म्यूटेशन में मुख्तलिफ कलर में आप इस तरह का यू नज़र आएगा ना आपको, तो ये यू विंग होता है। ओपलाइन में क्या होता है कि अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखो गर्दन तक, इसका ऊपर से लेकर गर्दन तक का एक कलर में है, ऑरेंज कलर में हिस्सा है एक कलर में, और यही जो है ना नीचे जाके इसकी रम पे, इसकी दुम के साइड पे एक कलर होता है, सेम यही कलर होता है थोड़ा सा, तो ये ओपलाइन में आता है। तो ये पहचान है ओपलाइन की। ग्रीन की बात करें तो ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन बर्ड है, तो इसलिए इसको ग्रीन ओपलाइन बोल रहे, और यू विंग इसलिए बोल रहे कि इसके विंग जो है ना वो यू करके बन रहे, तो ये हो गया ग्रीन यू विंग। आइए आपको एक और बर्ड दिखाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक हमने लगाया हुआ है अल्बाइनो रेड आई और उसके साथ हमने पेस्टलिनो लगाया हुआ है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं उड़ाता हूँ तो शायद आपको, ये जो उधर पीछे जो बर्ड बैठा हुआ है ना ये पेस्टलिनो है। पेस्टलिनो क्यों है, क्योंकि इसमें पेस्टलिनो की पहचान क्या होती है कि वो ब्लू कलर में भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग कलर में भी हो सकता है, ग्रीन से कलर में भी हो सकता है और येलो से कलर में भी हो सकता है, लेकिन उसमें धब्बे धब्बे होते हैं, वो एक कलर नहीं होगा, उसमें थोड़े थोड़े से धब्बे धब्बे होंगे। ये देखें, अगर आप इसके, अगर आप इसको देखें इसके, इसके स्किन पर ना आप देखें थोड़े थोड़े से ना ये अलग अलग से पैचेज हैं, पूरा एक कलर में नहीं है ये। तो पेस्टलिनो जो है ना वो इस तरह का होगा। एक और पेस्टलिनो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने एक पेड़ लगाया हुआ है पेस्टलिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई, इसका भी फ़ायदा है वो, और ये दोनों स्प्लिट इनो, मतलब जो पेस्टलिनो वो भी स्प्लिट इनो, इसका क्या फ़ायदा होगा ये किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे। नीचे आते आपको मैं एक और पेस्टलिनो दिखाता हूँ। ये देखिए, वो जो ऊपर एक बैठा हुआ है ना बर्ड ऊपर चढ़ के, ये अगर आप देखो ये ब्लू फिशरी बैठा हुआ है, इसके पीछे जो है ना वो एक ग्रीन सा बर्ड है, ठीक है। ये है, ये भी एक पेस्टलिनो है, ये देख लो भाई, वो जो ग्रीन सा एक बर्ड है वो भी पेस्टलिनो ही है, उस पर भी धब्बे धब्बे हैं। तो वो किसी पेस्टलिनो किसी भी कलर में हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्लू कलर में येलो कलर में। तो पेस्टलिनो की पहचान ये है कि इस पर थोड़े थोड़े धब्बे धब्बे से होते हैं, और वो ऑफलाइन में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर जो है ना हम इसी, इधर ही हम एक और इसी पर आ जाए, यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दें। आप ये वाला बर्ड दिखाएं बिलाल भाई, ये जो बर्ड है ना सामने रखा हुआ है, ये वाला जो बर्ड है ये है पार ब्लू। अब पार ब्लू जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट शेड में डिफरेंट डिफरेंट उसमें मिलेगा आपको ना। अब ये पार ब्लू जो है ना ये ऑफलाइन भी है साथ साथ और यू विंग भी है। अगर आप इसके बैक से देखेंगे तो इसमें यू बना हुआ है विंग्स में इसके, तो ये यू विंग भी है साथ साथ पार ब्लू भी है और ऑफलाइन भी है। अच्छा, पार ब्लू की जो सबसे बड़ी पहचान है ना वो मैं आपको बता दूँ, पार ब्लू की पहचान क्या होती है।
पार ब्लू की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये होती है कि उस पर एक कलर नहीं होगा, मुख्तलिफ कलर होंगे। ग्रीन भी आ सकता है उसमें, ब्लू भी आ सकता है, और ऑरेंज शेड भी ऊपर से अलग आ रहा होगा नीचे, तो मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं उसमें, वो पार ब्लू होता है। और पार ब्लू किसी भी बर्ड में ना उसकी हाइएस्ट पीक होती है, यानी कि मैक्सिमम म्यूटेशन में आता है पार ब्लू। ठीक है, अब ये दिखाइए इसको बर्ड को वापस, ये देखिए इसके पीछे से ये देख लीजिए यू बना हुआ है, तो ये यूविंग में भी है, तो ये पार ब्लू है, यूविंग है प्लस ऑफलाइन है। एक यहाँ पे भी बैठा हुआ है पार ब्लू पीछे, वो भी पार ब्लू है। और अगर आपने पार ब्लू को पहचानना है, क्योंकि ये अलग अलग थोड़े से कलर शेड अलग भी होते हैं इसमें, तो मैं एक और दिखाता हूँ ताकि आपको पहचान हो कि पार ब्लू जो है ना अलग अलग। अब ये वाला पार ब्लू देखें, इसको अगर गौर से देखें, ब्लू है ऊपर से, इसके ऑलमोस्ट सारे विंग्स जो है ना ब्लू ग्रीनिश सी ब्लू टाइप के हैं, नीचे से लाइट ब्लू है, ऊपर से ये ऑरेंज शेड आ रहा है। सामने से अगर आप इसका फोरहेड देखें और इसका फोरहेड के साथ इसके चिन के साथ तक गर्दन तक देखें, तो इसमें जो है वो ऑरेंज कलर आ रहा है और पीछे डड्डी सी मास्किंग आ रही है, तो ये पार ब्लू है। और इसके पीछे जो बैठा हुआ है ना वो भी पार ब्लू ही है, वो थोड़ा सा ऑलिव कलर के अंदर है। तो पार ब्लू की पहचान क्या है, उसमें एक कलर नहीं होगा, चार पाँच अलग अलग कलर होंगे। और इसकी चोंच जो होती है ना वो ऑरेंज टाइप की होती है इस तरह की। ठीक है, तो ये पार ब्लू आ गया। अच्छा, अब ब्लू फिशरी दिखा देते हैं बिलाल भाई, ज़रा इधर आओ, ब्लू फिशरी दिखाते हैं। ये ब्लू फिशरी है। अच्छा, ये ब्लू फिशरी में भी दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक ब्लू फिशरी पीछे बैठी हुई है, बिलाल भाई नीचे वाले केज पे दिखाते हैं, ये पीछे से इसको छेड़ेंगे, नीचे वाले केज पे आ जाओ ज़रा, ये सामने ही बैठा हुआ है देखो। ये एक ब्लू फिशरी है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त पहचान है, बहुत आसान पहचान है, वो ये कि देखें ये ऊपर से डार्क ब्लू कलर होंगे इसका, नीचे से लाइट शेड आ रहा होगा ब्लू का। सामना इसके जो सामने का हिस्सा होगा ना, अगर आप देखें फोर हेड से लेके इसके नेक से नीचे तक, इसके सीने तक एक कलर होगा वाइट। ये अच्छी ब्लू फिशरी की पहचान है, जो कि फिशरी है, फिशरी मास्किंग के अंदर है, पर्सनाटा में नहीं है ये। तो जो फिशरी ब्लू होगा ना उसका फ़ायदा क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, कि ऊपर से प्रॉपर जो है ना इसकी फोर हेड से वाइट और नीचे चिन तक प्रॉपर वाइट होगा, और फोर हेड से ऊपर जो इसका सर शुरू होता है और पीछे तक गर्दन तक पीछे जो है ना ये पूरा एक शेड आ रहा होगा डार्क कलर का। ठीक है, तो ये ब्लू फिशरी ये होता है, और इसी के अंदर ग्रीन जो है ना सेम ऐसे ही होता है, बस कलर जहाँ ब्लू है वहाँ ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन फिशरी और ब्लू फिशरी को पहचानने में सबसे मेन चीज़ ये कि ग्रीन में ग्रीन कलर आएगा, ब्लू में ब्लू आएगा, उनके जो शेड जो होंगे वो इस तरह के होंगे। आप देखें इसका पीछे का जो हिस्सा है सर का, वो डार्क शेड में आ रहा है, फ्रंट साइड पूरी वाइट में आ रही है, नीचे ब्लू और ऊपर डार्क ब्लू। तो ये अच्छा, इसके पर पे जो ना, ये परों पे जो ना इसके, ये देखें अंदर वाले जो पर हैं, दुम के साइड के जो पर हैं, वहाँ पे जो ना एक पर्पल कलर भी आता है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ यार, आप एक चीज़ लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन लोग तो गलत कमेंट कर रहे हैं आपको। यार करते ना जो, सब थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, वो तो सबको करेंगे गलत कमेंट, उससे कोई मसला नहीं है। सही है, गलत कमेंट करना है या सही कमेंट करने से कोई मसला नहीं होता, जो सही है, जो चीज़ हम सही बता रहे हैं लोगों को पता है कि हम सही बता रहे हैं। ठीक है, जो नेगेटिव होंगे वो गलत कमेंट ही करेंगे। अच्छा, आपके बर्ड्स माशाल्लाह इतने हेल्दी हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, क्या राज है उसका? यार इस पर भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे बिलाल भाई, लेकिन ये जो है ना, आपको पता है गाइस कि आप लोग की तरह हम भी नए हैं, और हम भी जो है ना वो सीख रहे हैं, अपने कुछ मेंटोर हैं हमारे साथ भाई हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे हम सीख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको जब इस पर रिजल्ट आएगा फिर बताएंगे। अच्छा, आप ग्रीन फिशरी ये देख लो भाई, ये बैठा हुआ, मैंने आपको बोला था कि जिस तरह ब्लू फिशरी होगा इसी तरह का ग्रीन होगा, ब्लू की जगह ग्रीन कलर आ जाएगा, आगे का जो चेस्ट था उसका वाइट था, इसमें ऑरेंज आ जाएगा, पीछे के साइड पर ग्रेस टाइप की, डार्क ग्रीन टाइप की जो है ना वो डर्टी डर्टी मास्किंग आ जाएगी। सही है, और ये फ़र्क आता है फोरहेड पे जो है ना, फोरहेड से लेके नीचे चेस्ट तक जो है वो सेम कलर ऑरेंज आना चाहिए, अच्छी ब्लू फिशरी की निशानी है। ठीक है जी, ये हो गई ब्लू फिशरी। अब आ जाओ, एक और चीज़ दिखानी है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आ जाए यहाँ वाले केस में आए भाई। ये माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा भाई अगर आपको बर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो। ये भाई हमारे पास एक क्रीमिनो बैठा हुआ है और एक डेगिनो बैठा हुआ है। अब इसकी भी पहचान लोग बोलते हैं क्रीमिनो कौन सा, डेगिनो कौन सा है। पहले तो आप पहचान लो कि क्रीमिनो डेगिनो दोनों येलो कलर के बर्ड होंगे, पूरे के पूरे येलो होंगे वो। ठीक है, सिर्फ उनके जो फ्लाइंग वेदर होते हैं वहाँ पर हल्के हल्के से वाइटनेस आ रही होगी, बाकी पूरे का पूरा वो येलो होगा। चोंच इनकी ना ऑरेंज टाइप की होगी, ठीक है, और फोरहेड पे हल्की सी ऑरेंज मास्किंग होती है। ये होता है आपका क्रीमिनो बर्ड।
अब सॉरी क्रीमनो और डेकिनो दोनों इस तरह के होते हैं, बस फर्क क्या आता है, क्रीमनो की आई जो है वो रेड होगी, डेकिनो की आई ब्लैक होगी, ठीक है। क्रीमनो की जो आंख होगी वो रेड होगी, डेकिनो की आंख ब्लैक होगी। क्रीमनो डेकिनो में सिर्फ ये फ़र्क मिलेगा आपको, सही है जी। तो ये आ गया क्रीमनो डेकिनो, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। क्रीमनो डेकिनो सब बता दिया हमने, क्या रह गया, तकरीबन सब कुछ हो गया। तो जो मेन मेन यानी जो कमर्शियल म्यूटेशन मैंने आपको दिखाई है, इसमें फिर पार ब्लू भी आ जाता है, उसमें बहुत सारे शेड आते हैं, उसमें एक्वा भी प्लस हो जाता है, तो वो सब हायर म्यूटेशन है, वो हम उस पर अभी काम नहीं कर रहे। पार ब्लू है मेरे पास, पार ब्लू कह रहा हूँ, पेल फेलो है हमारे पास, वो देखें वो बैठा हुआ है पेल फेलो, ठीक है। लेकिन अभी हमने इस पर वर्किंग शुरू की हुई है, इस पर हमने इंशाल्लाह आगे हायर म्यूटेशन पर काम करेंगे, तो फिर आपको बताएंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे यार हमें ये सब पता है। आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बनाइए, जो नए फैंसर हैं, नए इस हॉबी में आए हैं या आना चाह रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि जब मैं नया था तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा कि अब हम भी कुछ नए लोग आते हैं तो उनको बताते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आया करें तो लाइक करा करें, शेयर करा करें, कमेंट ज़रूर किया करें, पॉजिटिव या नेगेटिव करें ज़रूर कमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।